अगला स्टैंडर्ड है, थर्ड है रिप्लेनिश मैथ ऑफ द न्यूट्रेंट इन द सॉइल। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रेंट टू द क्रॉप। सॉइल जो है वो बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रेंट जो है क्रॉप को सप्लाई करते हैं। दिस न्यूट्रेंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये सारे न्यूट्रेंट्स जो है वो प्लांट्स के बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन के कारण फार्मर ग्रो क्रॉप इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर। एक साल के बाद वो उस सेम फसल बोता है, उसमें कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल डेफिशियंट इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट एंड द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी। अगर एक ही फसल को हम लगातार उस खेत में बोएंगे तो इससे मिट्टी की फर्टिलिटी चेंज जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। एंड सो द सॉइल न्यूट्रिएंट्स शुड बी रिप्लेनिश्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसलिए सॉइल के न्यूट्रिएंट को टाइम टू टाइम रिप्लेनिश करना चाहिए। दिस कुड बी डन आइदर बाई न्यूट्रल नेचुरल मेथड और एडिशन ऑफ द मैन्योर और फर्टिलाइजेशन। इसको हम नेचुरल मेथड से भी कर सकते हैं या इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजेशन भी। नेचुरल मेथड टू रिस्टोर फर्टिलिटी। नेचुरल मेथड से कैसे हम सॉइल फर्टिलिटी को ला सकते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिस्टोर नेचुरली बाई अडोप्टिंग द फॉलोइंग मेथड। इन मेथड को फॉलो करके हम सॉइल की नेचुरलिटी फर्टिलिटी को ला सकते हैं। पहला है फॉलोइंग इन दिस मेथड लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। इस मेथड में वे जमीन को बिना बोए रखा जाता है फॉर वन और मोर सीजन, एक या एक से ज़्यादा सीजन। द फैलो लैंड रीगेंस द न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स प्लांट एंड एनिमल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या है कि उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ पौधे या जानवर हैं उनको उनसे निकलने वाले वेस्ट से और माइक्रोब्स के एक्शन से वहाँ पर फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन एक मेथड है जिसमें अलग अलग फसलें जो है अल्टरनेटली एक ही खेत पर उगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल द फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर। किसान जो है वो फसलें गेहूं और बार्ले की फसलें पहले साल में उगाता है। दिस इज फॉलोड बाई द ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट। वो उसके साथ में लेग्यूमिनस प्लांट भी उगाता है जैसे कि मटर एंड सोयाबीन इन द नेक्स्ट सीजन। दूसरे सीजन में मैं मटर और सोयाबीन उगाता है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। इससे सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा में प्रभावित होती है। यू हैव लर्न अर्लियर इन क्लास 7th दैट बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द रूट्स नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। आपने क्लास 7th में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ में होता है। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड। ये एटमोस्फेरिक बैक्टीरिया जो है एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं। दैट कैन इजिली बी एब्जॉर्ब बाई प्लांट, जिसे प्लांट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फार्मर्स आर बींग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। किसानों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। तीसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग इन दिस मेथड टू और मोर क्रॉप्स आर ग्राउंड टुगेदर इन द सेम फील्ड। इस मेथड में दो या दो से ज़्यादा फसलें एक साथ उगाई जाती है। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड इन सच ए मैनर। क्रॉप्स को एक मैनर में सेलेक्ट किया जाता है दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड ऑफ द वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय द अदर। जिससे कि एक क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की वो दूसरी क्रॉप उसको पूरा कर सके। लेग्यूमिनस क्रॉप्स सच एज पीस सोयाबीन एंड सीरियल्स। क्रॉप्स लाइक वीट और राइस कैन बी ग्राउंड टुगेदर इन द सेम फील्ड। लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे कि मटर सोयाबीन सीरियल क्रॉप्स ये इनमें गेहूं और चने के साथ गेहूं और चावल के साथ बुराई बोई जाती है एक ही खेत में। कॉटन एंड ग्राउंड नट्स आर ग्राउंड टुगेदर। कॉटन और ग्राउंड नट को एक साथ बोया जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द यूज ऑफ द मैन्योर और फर्टिलाइजर इज कॉल्ड द मैन्योरिंग। खाद और फर्टिलाइजर का यूज करना मैन्योरिंग कहलाता है। दिस सब्सटेंस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इन सब्सटेंस से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। पहला है मैन्योर। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इच इन द न्यूट्रिएंट ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाई माइक्रोब्स। मैन्योर एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है। कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल एक्सक्रीटा फेशियल मैटर ऑफ द ह्यूमन बींग्स सीवेज वेस्ट वीड्स ड्राई लीव्स एटसेट्रा। जो कंपोस्ट कंपोस्ट जो है वो डिकम्पोजिशन खेतों में वो घर के जो निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर जैसे कि एनिमल्स का निकला हुआ एक्सक्रेटा फेशियल मैटर ऑफ द ह्यूमन बींग सीवेज वेस्ट वीड्स ड्राई लीव्स ये सब इनको कंपोस्ट पिट में जला जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज द कॉल्ड द कंपोजिंग। कंपोस्ट को बनाना कंपोस्टिंग कहलाता है। वी में डिफाइन कंपोस्टिंग एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम कंपोस्टिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच माइक्रोब्स डिकम्पोज। जिसे माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं द ऑर्गेनिक मैटर को प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मैटर जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल में होता है उसको डिकम्पोज करते हैं टू प्रोड्यूस मैन्योर खाद बनाने के लिए। सेकेंड है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस दैट आर रिच इन। एक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक वन और मोर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर्स है उनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर अमोनियम सल्फेट सल्फोस्फेट अमोनियम फॉस्फेट पोटास एंड नाइट्रोफॉस्फेट हैं। फर्टिलाइजर्स आर सोल्यूबल इन द वाटर एंड दस
दस आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। प्लांट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं आसानी से, इसलिए प्लांट उनको एब्जॉर्ब करते हैं, इंक्रीज द क्रॉप और वो क्रॉप को बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर यूजली अप्लाइड आइदर बाय स्प्रे, फर्टिलाइजर को या तो स्प्रे से एंड थ्रो इरीगेशन कैनल सप्लाई करते हैं। अब एडवांटेज ऑफ द मैन्योर, मैन्योर की खाद की क्या क्या एडवांटेज है। द ऑर्गेनिक मैन्योर कंसिडर्ड बेटर दैन द फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होती है उसको फर्टिलाइजर से अच्छा माना गया है। दिस इज बिकॉज ऐसा क्योंकि एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इससे मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। सेकेंड मेक द सॉइल पोरस दैट मेक द एक्सचेंज ऑफ द गैस ईजी, इससे सॉइल पोरस हो जाती है जिससे कि गैसों का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, इससे सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर्स बढ़ते हैं। इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टेक्सचर में इंप्रूवमेंट होती है। एड्स द ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल में ह्यूमस बढ़ता है। इज नॉट एक्सपेंसिव, ये महंगा नहीं होता। एंड कैन इजिली प्रिपेयर फ्रॉम द वेस्ट इन द फार्म, ये खेत में वेस्ट का यूज करके बना सकते हैं। डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, इससे वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। पहला फर्टिलाइजर, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि मैन्योर इज ए नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूशन, ये खेतों में बनता है एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेजिड्यूशन। फर्टिलाइजर, इट डज नॉट एड ह्यूमस टू द सॉइल, इससे कोई ह्यूमस नहीं मिलता है मिट्टी में। मैन्योर से, इट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी को सॉइल ह्यूमस मिलता है। इट इज़ रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसमें बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इट कंटेन्स लेंस अमाउंट ऑफ द एसेंस प्लांट न्यूट्रिएंट, इसमें बहुत कम मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इट इज़ कॉस्टली फर्टिलाइजर, मैन्योर चीप होता है, सस्ता होता है। फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है यूरिया और पोटाश, और मैन्योर की वजह सन हैप, सस्पेनिया और काउडंग। अब डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की क्या डिसएडवांटेज है। मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर, आजकल की जो एग्रीकल्चर खेती जो है वो ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैनी एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, एक्सेस ज़्यादा फर्टिलाइजर को बढ़ने से हमारी जो क्रॉप है वो इंक्रीज होती है। बट वैन द फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड ऑफ थ्रू द इरीगेशन एंड रेनफॉल, लेकिन जब सिंचाई के पानी से, बरसात से फर्टिलाइजर बह जाते हैं, दे रीच वाटर बॉडीज, वो पानी के वाटर बॉडीज में पहुँचते हैं लाइक रिवर और लाइक नदी और झीलों में। दिस कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड द वाटर, पॉल्यूटेड वाटर इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, और अनपॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत अनफिट होता है। इवन किल्स द एक्वाटिक एनिमल, वो पानी में रहने वाले जानवर को भी मार जाता है, सच एज फिश, जैसे कि मछली। फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सच दैट कॉज सॉइल पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए वो सॉइल इरोजन भी करते हैं। टू मेंटेन द फर्टिलिटी सॉइल, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड एंड यूज ऑफ द मैन्योर शुड बी प्रमोटेड, मैं सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें फर्टिलाइजर के ज़्यादा यूज को अवॉइड करना चाहिए और मैन्योर के यूज को बढ़ाना चाहिए। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे इरीगेशन।